मध्य प्रदेश के नीमच के उपनगर बगाना के वार्ड नंबर 40 में जैसे ही वॉइस ऑफ एमपी की टीम पेयजल संकट पर वार्डवासियों से चर्चा करने पहुंची तो उपस्थित महिलाओं और पुरुषों का नगरपालिका की व्यवस्थाओं पर गुस्सा फूट पड़ा। वार्डवासियों द्वारा बताया गया है कि हमारे क्षेत्र में अवैध नल कनेक्शनों का अंबार है, जल सप्लाई के नाम पर नगरपालिका का प्रबंधन पूरी तरह से नकारा साबित हो रहा है। पेयजल संकट की गंभीर समस्या पर नगरपालिका हंसी खेल कर रही है, कभी 4 दिन तो कभी 5 दिन में पानी है। वार्ड में लगे हुए हैंडपंप पूरी तरह से जाम पड़े हुए हैं, पानी सप्लाई करने का कोई समय निर्धारित नहीं है, व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस वार्ड में मंडी में काम करने वाले लोग भी रहते हैं, उन्होंने कहा कि जब काम से शाम को लौटते हैं तो नहाने धोने के लिए पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अफसोस है कि पानी की बूंद बूंद को हम तरस रहे हैं, टैंकर के लिए वार्ड वासियों की आवाज नक्कार खाने में तूती के समान साबित हो रही है। पार्षद प्रतिनिधि ने भी हमारे कैमरे के सामने स्वीकार किया कि पेयजल समस्या पर कोई सुनने वाला नहीं है, हालात बदतरीन है। अब जरूरी हो गया है कि नीमच के पेयजल संकट पर जिला प्रशासन स्वयं संज्ञान ले। हर मूलभूत सुविधा को तरसता बगाना, हर मामले में उपेक्षित बगाना, यहाँ का वार्ड नंबर 40 वॉइस ऑफ एमपी की टीम पहुंची है वार्ड की पेयजल संकट की समस्या को लेकर। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आइए रहवासियों से बात करते हैं। बघाना का यादव मंडी, आइए बात करते हैं यहां पर किस तरह की समस्या है, क्या समस्या है? पानी टाइम पे नहीं देता है नल, हाँ, और देता तो कम देता है, कम देता 10 मिनट में नहीं देता है भाई, 10 मिनट में क्या क्या हेड पंप पे जाते हैं जोड़ जोड़ के पानी बनने पानी, हमसे तो चलता भी नहीं हेड पंप जी। क्या करो, बच्चे भी नहीं चलता है, बच्चे जाते भरने के लिए कितनी परेशानी आ रही है, 10 मिनट भी नहीं आ रहा है, 10 मिनट आ रहा हो तो पीने का भी नहीं पूरा भरता है पानी हमारा, तो कहाँ डोल रहा है, कहाँ भटक रहे हैं पानी के लिए। आपने इस बारे में पार्षद से बात की? और नलों में भी नहीं आ रहा है, नल देते हैं 5 मिनट दिए और नल बंद, पीने का भी नहीं भरते। कितनी बार बुला ला है उसको, पार्षद को बुला ला है, सबको शिकायत कर दी, बनेट बंद कर, टैंकर वगैरह नहीं आया, नहीं आया की बहुत परेशानी है, हमारे तो बाहर से चलता भी नहीं है हमारे को पानी, क्या करें। इस तरह की समस्या से आप लोगों को परेशान है सर कि क्या बताएं, पहले मोटर तक हमारी जल चुकी है और पानी कोने तक तो सप्लाई भी नहीं मोटर लिया, कितने दिनों में पानी आ रहा है, 4 दिन छोड़ के तो उसके बाद में भी कोई मुश्किल है, मतलब पानी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। अच्छा, पानी का कोई निर्धारित समय है आने का? एक टाइम है, सुबह देने का होता है तो शाम को बोल देते, तो शाम को भी कोई कंफर्म नहीं की देंगे जी, ये है, कभी 5 बजे, 5 बजे रात को देंगे, 9 बजे तो देते ही नहीं, सुबह। आप क्या कहेंगे? जैसे कि हम कहना चाहेंगे, गर्मी का समय है और सबसे ज्यादा रहती है जो समस्या पानी की रहती है, हमारे यहाँ पानी का टाइम है कि 2 दिन छोड़ के आते हैं, पर 2 दिन से 4 दिन भी हो जाते हैं, 5 दिन भी हो जाते हैं, निर्धारित समय नहीं है, रहता है कि सुबह चलेंगे या शाम को चलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ के पार्षद साहब से जैसे कि रहवासी बता रहे हैं कि उन्होंने अवगत कराया है, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही नगर पालिका की तरफ से हमें कोई, ना तो टैंकर प्रोवाइड हो रहा है, ना ही कोई पानी के लिए दूसरा कोई एक्शन लिया जा रहा है। प्राइवेट टैंकर डलवाते हैं क्या आप लोग? नहीं, हम लोग या तो हेडपंप से जाते हैं, दूर दूर लेके आते हैं, इधर से घरों में घर। आप क्या कह रहे हैं? मजदूर वर्ग के लोग प्राइवेट टैंकर कहाँ से लाएंगे? सबकी समस्या ये, 5 दिन के नल दे रहे हैं, उसके अलावा भी मतलब 10 मिनट 15 मिनट सुबह या शाम जाते हैं तो अकड़ा दखड़ी करते हैं, पार्षद करे जाते हैं सीधे वो बात करता नहीं है, हम लोग अगर बोलते हैं तो फिर वो दूसरी बात होती है, वो दूसरी जातिवाद ये भावना करते हैं, इस चक्कर में हम लोग बोलते ही नहीं, इस सब आदिवासी अलग अलग वो पूरे वार्ड के अंदर वो काम करने अलग जाते हैं सर, बहुत परेशानी से हाहाकार मचा हुआ है, खाली बर्तन बताओ ना, परेशानी आ रही है, गर्मी है, गर्मी का मौसम है, पीने का पानी, कपड़े वगैरह धोना नहाना, किस तरह से पानी चाहिए, पानी पीने का भी नहीं आ रहा है, और पहले पुराने नल चलते वो भी बंद हो रहे, नल चल रहा है कभी रात को जाते हैं, कभी 5-6 बजे दे रहे हैं, नल का टाइम है कोई है ये बताओ, और पहले पुराने नल चलते वो भी बंद कर दिए, वो चलते थे तो अब नए चल रहा है, वो आए भी नहीं रहे जी, टाइम से भी नहीं चल रहा है, फिर पानी लेने कहाँ जाए, टाइम में पानी नहीं है, देखो अच्छा यहाँ पे कुआ भी है, पानी नहीं है,
पानी नहीं है, पाइप लाइन सही करवा दो, हमारे को पीने का पानी चाहिए, अंदर तक पानी नहीं आता बस। वो कुआ भी है तो ये भी पानी, मोटर बंद पड़ी है, पानी नहीं आ रहा, वो हेड पंप से ला ला के पानी पी रहे, वो ठेठ वहाँ पे वो टाइट चल रहे, हैंड पंप भी सही नहीं चल रहा। पानी तो चाहिए ना अपन को पीने के लिए, पानी के काय में नहीं चाहिए, आटा गूंदने में, पीने में, खाने में, सब बात में पानी चाहिए। तो ये जो हैंडपंप भी सही नहीं चल रहा है, कुआ भी सूख चुका है, आपने नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों से बात की है? नहीं बोला। कुछ जेंट्स भी है यहाँ पर मौजूद, देखिए इन लोगों का क्या कहना है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और लोग कहेंगे पानी के लिए घूम के लिए तरसते हैं, और मतलब मनमाने तरीके से जो नल चलाता है वो भी मनमाने तरीके से चलाता है, अपने अपने एरिया में अपने मनमाफी नल दे देते हैं, और बाकी क्या है दूसरी जगह लोग पानी के लिए इंतज़ार करते रहते हैं ये, और कनेक्शन बोले कनेक्शन वनेक्शन भी जो मांगते हैं तो कनेक्शन के लिए लोग पैसे क्या है ना रसीद देना ना कुछ, बस पैसे लेके जेब में रख कर बोल देते हैं कर लो तुम तुम्हारा कनेक्शन। ऐसा भी हो रहा है? ऐसा भी हो रहा है। आज नीमच में ये समझ लो 90% वो 60% करीब सब अवैध कनेक्शन है, और जो मतलब रसूखदार है उसका हो जाता है, जो रसूखदार नहीं है वो बापला क्या है कि पैसे दे देंगे 4-4, 5-5 हज़ार रुपये कनेक्शन ले रहा है। सर अब हमने 5 हज़ार रुपये दे के कनेक्शन करवाया है, और हम सब मंडी वर्ग के लोग हैं सर, सुबह आते हैं धूल धमासे से नहाना धोने सबका ही रहता है समस्या, और कोई पानी का समय नहीं है, आधी घंटे भी बराबर मुश्किल से चलता है वो, और ना ऊपर चढ़ता पानी, पीछे तो पुरानी लाइन बढ़ जाती है जो कम से कम पानी का आता था सर, अब ये हेड पम्प आए दिन हफ्ते में 4 दिन तो ख़राब रहता है जी। और ये जाम होके चलता जमाने का, और इतना बड़ा मोहल्ला है सर, और ये 4 इंच की लाइन डाल रखी इन्होंने, पानी बिल्कुल ये समझ लो आपके यहाँ से लेके वो अंदर जाना मुश्किल है पानी का, अगर मोटर लगाई तो आप पानी भर सकते हो, नहीं तो पानी का कोई नहीं है, और सर मोटर लगाते तो बिल जमाने का आता है, वहाँ से अलग अलग मरन, ये अलग पानी का अलग मरन, और फिर वहाँ कुछ कहने जाओ तो आपके समय चलाया तो था ये तो करा था सर, पानी का कुछ बिल्कुल बिल्कुल 1% पानी पे ध्यान नहीं दे रही है कि ना, वो नेता किसी काम का हमारा, वो सर ये समझ लो कि साल हो गए उसे आए हुए यहाँ झाके हुए कि कुछ करना है कि नहीं करना है, ये खड्डे है सर कितने सालों से पड़े हुए, कुछ नहीं हो रहा है इसका उद्धार, और ना यहाँ की नालियाँ साफ हो रही है, कुछ भी नहीं है सर, पानी का कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर कि पानी आएगा यहाँ पर। वार्ड नंबर 40 की गोपाल गली, यहाँ की समस्याओं के बारे में सुनिए। भैया यहाँ पानी 4 दिन में 1 दिन देते हैं, और वो भी 40-20 में जी, तो पानी का बिल्कुल इतनी बड़ी समस्या है, मतलब कि ये समझ लो पीने के लिए भी जनता तरस रही है, और नेता का कोई ध्यान नहीं है। आपने इस बारे में लोगों शिकायत की है जनप्रतिनिधियों से? कह दिया उनसे, नेता से भी कह दिया, भैया वार्ड में पानी नहीं आ रहा, अब उनके टैंकर आ जाए तब हम क्या करेंगे। अच्छा। हम तो टैंकर मंगाने से रहे ना, उनके टैंकर आ जाता आते टैंकर, बराबर टैंकर आते हैं। अच्छा। नगर पालिका का ही आता है जी, नगर पालिका का ही टैंकर आता है, अपने घरों में नहीं आता, नहीं। अपने घरों में हमारे सामने भरते पानी पर हमारे यहाँ नहीं आते। आप क्या कहेंगे? बस यही है, तो ये गली का सुधार होना चाहिए और पानी टाइम से पूरा आना चाहिए। पानी को लेकर किस तरह की समस्या? पानी बहुत कम आ रहा है और टाइम से नहीं आ रहा है, तो कभी शाम को खोलते हैं कभी सुबह खोलते हैं, कोई टाइम ही नहीं करता है। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही कि पानी की समय भी नियमित नहीं है, समय भी। आप क्या कह रहे हैं? आप यही पानी बिल्कुल नहीं हमारा भरा जाता है, और ये ना नाले साफ होती है, गंदगी। पानी को लेकर क्या कहें? पानी का तो बहुत परेशानी में, मतलब समय भी नहीं आ रहा है। 4 दिनों में, 4-4 दिन में नगर पालिका तो कहती कि हर 2 दिन में पानी दे रहे हैं, 4 दिन में, और वो भी समय नहीं भैया, अगर सोते रहेगा इंसान तो गया, या बाहर गए तो गया, पूरा कहाँ भरता, मतलब कोई समय नहीं कि सुबह 8 बजे 9 बजे 2 बजे रात को 8 बजे भी दे देता है, उसका कोई भरता कहाँ, पानी पूरा ही नहीं भरता, पूरा ही नहीं भरता, 20 मिनट ना ला रहे ना भैया। वार्ड में पानी की काफी समस्या आ रही है, आपके क्या कहेंगे पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते? आप बहुत आ रही है, 2-3 दिन में नल आ रहे हैं, इतनी परेशानी आ रही है कि पूरे शहर में ऐसी हालत खराब है, नल अवैध कनेक्शन इतने हो रहे हैं कि जिसकी हद नहीं, हम भोगने को भी नहीं रुक पा रहे हैं, इतने अवैध हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, हर वार्ड में हो रहे हैं। आपके वार्ड में आप क्या समाधान के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर चलवाया जाए, अपन अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। हमारी बात भी हुई छाँ जायसवाल जी से,
बोले दो चार दिन में चालू कर सकते हैं जी। लोगों का कहना है कि चार चार दिन में पानी आ रहा पानी है, आ रहा है और टाइम भी कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं। चार बजे दे देते हैं, चार बजे पूछते तो वो बोलते थे शाम को आएंगे सात बजे, मतलब हम खुद फोन लगाते उठाते भी नहीं, मतलब ये हालात है उनकी कि फोन नहीं उठाते। मतलब पार्षद होने के नाते आप खुद परेशान हैं? खुद परेशान है ना, उठाते ही नहीं फोन। वहाँ ऊपर बोलते बोले हाँ खबर कर दो, भले आप तो किसको भी शिकायत कर दो, कुछ नहीं कर सकते। आपका नाम? रामलाल जी ग्वाला, पार्षद की तरफ। वार्ड नंबर 40 का भ्रमण करने पर पेयजल संकट को लेकर लोगों का हाहाकार स्पष्ट है। लोग त्रस्त है और नगर पालिका के जिम्मेदार लोग केवल बयानों में व्यस्त है। साफ तौर पर देखा गया कि वार्ड नंबर 40 में लोगों ने कहा कि चार दिनों में पानी आता है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी देने का कोई निर्धारित समय नहीं है, मन मर्जी चल रही है, मन मर्जी का राज चल रहा है। हालात इस तरह से बदतरीन है कि यहाँ पे जो हैंडपंप लगे हुए वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अवैध कनेक्शनों का बोलबाला है। लोगों का ये कहना है कि पानी के कनेक्शनों में भ्रष्टाचार है, पानी के जो टैंकर हैं वो पार्षद महोदय के घर पे आते हैं, उनके रसूख वाले लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन जो आम जनता है वार्ड के रहवासी है वो लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस मोहल्ले में एक ऐसे भी वर्ग से बात हुई जो मंडी में हम्बाली का काम करते हैं, उनका कहना है कि जब हम लोग काम करके वापस आते हैं और हमारे लिए जब पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तब हमें पानी नहीं मिलता, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार लोग क्या करें, वो तो केवल ठीकरिया बांध का राग अलाप रहे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ विनोद गुर्जर की रिपोर्ट।